मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। समंदर को वापस लौटने में 5 साल का वक्त लगा है। एक दिसंबर 2019 को विधान भवन में देवेंद्र फडणवीस ने ये बयान दिया था। तब भी बहुमत बीजेपी गठबंधन को ही मिला था, लेकिन उद्धव के पाला बदलने से फडणवीस सीएम की कुर्सी से दूर हो गए थे। पांच साल बाद प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी ने वापसी की है, तो समंदर भी लौट आया है। सोशल मीडिया पर 5 साल पुराना ये वीडियो जमकर वायरल है। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापस। महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे देवेंद्र फडणवीस बचपन से ही बेहद शांत और शर्मीले स्वभाव के माने जाते थे। नागपुर के शंकर नगर का ये सरस्वती विद्यालय है। इसी स्कूल में पढ़कर फडणवीस बड़े हुए। टीवी स्क्रीन पर जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये फडणवीस के जूनियर हैं। स्कूल के इसी कैंपस और कॉरिडोर में खेलते कूदते देवेंद्र बड़े हुए। आप जानकर चौंक जाएंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई क्लास की आखिरी बेंच पर बैठकर की है। 2010 में देवेंद्र फडणवीस स्कूल के कार्यक्रम में जब पहुंचे थे तब उसी आखिरी बेंच पर बैठे थे जिस बेंच पर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। ये तस्वीरें उसी कार्यक्रम की है। सरस्वती विद्यालय की इसी क्लासरूम में इसी बेंच पर देवेंद्र फडणवीस 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में बैठते थे। क्लास की सबसे पिछली बेंच पर बैठने का कारण था उनकी शारीरिक ऊंचाई, और अपने सहपाठियों की यह असुविधा टालने के लिए ही देवेंद्र फडणवीस पिछली बेंच पर 3 सालों तक बैठे थे। देवेंद्र फडणवीस की सियासी कहानी को तो हर कोई जान रहा है, लेकिन छात्र जीवन में कैसे वो पढ़ाई करते थे, शांत होने के बावजूद किस तरह की शरारत किया करते थे, ये बता रही हैं उनकी क्लास टीचर रह चुकी सावित्री मैम। टीचर के लिए तो हर बच्चा जो है एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए, और उसमें जब देवेंद्र जैसा चमकता हुआ सितारा मिल जाए तो हम तो उसको कहेंगे कि तुम ध्रुव तारा बन करके दिखाओ, तुम अटल रहो। स्कूल के जमाने से ही देवेंद्र में नेतृत्व की क्षमता थी। बैठते भले ही पीछे थे लेकिन छात्रों के कार्यक्रमों को स्कूल में वही लीड किया करते थे। 1985 में 10वीं करने के बाद फडणवीस स्कूल से निकल गए, लेकिन उनका नाता बना रहा। स्कूल की प्रिंसिपल पुष्पा अनंत बताती हैं, देवेंद्र फडणवीस छोटे मोटे कार्यक्रमों में आते रहते हैं। और यहाँ से चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र फडणवीस जी निकलेंगे, सपना तो किसी ने नहीं देखा होगा। फडणवीस जी के यही विचार थे कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ ना हो तो मैं पीछे बैठता हूँ। इतने बचपन में जो बच्चा इस प्रकार सोच सकता है उसका भविष्य तो ऐसा होना ही है। आखिरी बेंच वाला अब महाराष्ट्र की राजनीति का बाजीगर बन चुका है। छात्रों को इंतजार है कि मुख्यमंत्री बनकर एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस अपने स्कूल आएंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.